हैं कौन नहीं जा रहा है, आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं भाई? आप लोग सब पत्रकार लोग हैं, हमसे पहले आप हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं, हम हमारे ही कार्यक्रम में रहते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसी परमिशन है कि कौन से भी पक्ष का कार्यक्रम रहो, आप नेता से, पुढ़ारी से, कार्यकर्ताओं से पहले आप लोग वहाँ पर रहते हैं, तो आपको सब बेहतर मालूम है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। और किसी के जाने से या नहीं जाने से ना पार्टी का कुछ हुआ है ना पार्टी जैसी है। मैंने पहले भी कहा हूँ कि नेता पार्टी से बनता है, समझे? तो पार्टी जहाँ है वहीं रहेंगी और नेता आते जाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी। अभिषेक यांचा राष्ट्रवादी प्रवेश जवळपास निश्चित झालेला आहे। राष्ट्रवादीच्या मंचावरती जाऊन भाषण करतात, राष्ट्रवादीचे निदर्शन आंदोलनात सहभागी होतात, राष्ट्रवादीचा त्यांनी जय जय घोष करतात, त्याच्यावर MIM पार्टीकडून काय सख्त कारवाई होणार का MIM कडून? देखिए अभी ये जो भी न्यूज़ है हमारे आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुँच गई है, तो आने वाले 8-10 दिनों में ही हमारे महाराष्ट्र के जो कार्य अध्यक्ष हैं डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, उनका दौरा है सोलापुर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये जो दौरा है शायद इसी चीज़ को लेकर वो आने वाले हैं और हो सकता है कि वो कुछ कार्रवाई। तसा अहवाल पाठवलायगा तुम्ही की तोपिक शेख यांचा प्रवेश झालेला आहे राष्ट्रवादीमध्ये आणि त्यांच्यावर कारवाई करा? देखिए अब तक हाँ जो वो कुछ कॉर्पोरेटर्स हैं जो उनके स्टेज पर दिखे गए हैं और उन्होंने भाषण भी किया है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अब तक अधिकृत प्रवेश जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी ने उन्हें दिया नहीं है या उन्होंने लिया नहीं है, तो अब ऑफिशियली अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ घड़ामोड़ी चल रही है उसकी रिपोर्टिंग हैदराबाद और औरंगाबाद में हो चुकी है, तो वहाँ से आदेश का इंतज़ार है। और वो लोग जो है कितने दिवस तुम्हें ऐसा अधिकृत झालं नाही, आदेश अधिकृत झालं नाही त्यांचा प्रवेश, असं किती दिवस म्हणणार तुम्ही? त्यांनी जाऊन राष्ट्रवादीच्या मंचावर जाऊन राष्ट्रवादीचा जय जय घोष करतात, अजून तुम्ही अजून ऑफिशियल झालं नाही आहे, ह्याच्यापूर्वी पण तुम्ही तसंच म्हटलं होतं, तर तुम्ही कधी जाहीर करणार की ते पक्षातून निलंबित केलेले आहे? ये तो फैक्ट है ना, लेकिन अधिकृत हुआ नहीं है। मैं कोई ऐसा हवाई बात तो कर रहा नहीं हूँ, अधिकृत हुआ नहीं है। हाँ संपर्क में है, जय जय वो कर रहे हैं, वो तो हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है, वहाँ से जो भी आदेश आएगा उसका हम लोग पालन करेंगे। ऐन महापालिका निवडणुकीच्या समोर तुमच्या नगरसेवकांनी कामाचा सपाटा सुरू केलेला आहे, 5 वर्ष त्यांनी म्हणजे काम केलं नाही असे नागरिकांच्या तक्रारी होते, तर तुमचं नजर आहे म्हटलं, तुम्ही काय नजर ठेवून आहे तुमच्या पक्षातील नगरसेवक? देखिए मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ये जो कामों का सपाटा बोल रहे हैं, ये इलेक्शन के सामने सारी पार्टी कर रही है, सिर्फ MIM नहीं, और जो काम नहीं हुए वो सिर्फ MIM के नगर सेवक ने नहीं किए, ये आपका बोलना गलत है। आज पिछले 2 साल से हम कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके तहत महानगर पालिका भी वर्किंग स्टेटस में नहीं थी, फंड्स की कमी थी, तो आज सबको फंड्स अवेलेबल हुए हैं, और MIM ही नहीं दूसरे भी पक्ष के जितने भी नगर सेवक हैं वो सारे लोग काम कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हमारे भी लोग काम कर रहे हैं। किती नगर सेवक रिंगणात उतर होणार, किती जागा लढणार सोलापूर शहर महानगर पालिका? देखिए MIM पार्टी अपनी पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हम रिंग में उतारेंगे, फिगर्स और मैं अभी आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता कि कितने उम्मीदवार हम लोग, लेकिन हमारी तैयारी पूरी चालू है, और आप लोगों की दुआओं से, जनता के आशीर्वाद से हमारे पास इच्छुकों की बहुत अच्छी गर्दी है, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं जो कि मैं समझता हूं आने वाले नगर पालिका इलेक्शन में ज़रूर जीत के आएंगे, और जीत के आने के बाद सोलापुर शहर का नक्शा चेंज करने में बहुत बड़ा एक उनका है। मुझे कहीं ना हुआ है काम मातम पर नेतांचे इतर पक्षातील, आप क्यों हमारी पार्टी में नाराज़गी पैदा करना चाहते हो नाम पूछ के? सस्पेंस थोड़ा बरकरार रहने दीजिए, जब वक्त आने पर नाम भी बताएंगे, चेहरे भी बताएंगे आपको, सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, टाइम आने तो सब आपको डिस्क्लोज़ करेंगे।